आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नाम बदलकर हिंदू लड़की को जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपी युवक के द्वारा अपना नाम गंगा रख लड़की को अपने जाल में फंसाया था। युवती द्वारा विरोध करने पर आरोपी गंगा खान युवती को दिल्ली जैसी घटना का दे रहा था धमकी। हनुमान सेना ने आरोपी धर्म परिवर्तन कराने वाले के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आगरा के थाना सागन क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। न्यूज 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। थाना सागन में आयो क्या नाम है उसका? गंगा खान। कितने टाइम से आपसे जुड़ा हुआ था हिंदू बनकर? 6-7 महीने से। इसकी शिकायत आपने फिर को कैसे पता चला ये हिंदू नहीं है? मेरे को ऐसी आज पड़ोस से मालूम पड़ा कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू मानता है। आज आप आपके कोई धमकी वगैरह भी थी इसमें? मेरे को दी थी, मेरे से कह रहा मस्जिद चल मेरे साथ कर सकता, मेरा धर्म अपना। अच्छा, यहाँ पे एक गर्दन पाड़े में एक भैया रहते, उनने भी जो जाट की लड़की से शादी की है वो भी नमाज पढ़ती है, उसने भी अपना है। क्या? अच्छा, वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। क्या नाम है उसका? इसका नाम सतीश शिवाजी, प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सेना। आज हम लोग सागर थाने में आए हुए हैं, जिसमें एक धर्मांतरण का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कल रात एक हिंदू पर, हिंदू बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, जिसमें कि मुस्कान नाम है एक जिहादी गंगा खान ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। बेटी के विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की, छेड़छाड़ की। बच्ची नाबालिग है, इसलिए हम सागर थाने आकर मुकदमा दर्ज किया। मैं ज्ञानेंद्र पौधा, प्रदेश महामंत्री हनुमान सेना। कल रात को हमारे संज्ञान में एक मामला आया जो कि धर्मांतरण से था। एक बच्ची जो कि 17 साल की है, नाबालिग है, नाम है मुस्कान, उसके साथ कुछ कठमुल्लों द्वारा धर्मांतरण की जोर डाला गया, उसको मारने की धमकी गई दी गई, उसके परिवार को डराया धमका गया और कहा गया कि दिल्ली में जैसी घटना की गई है ऐसा ही तेरे साथ कर दिया जाएगा अगर तू धर्मांतरण नहीं करेगी तो। लड़की जाती थी, बाजार जाती थी, उसका पीछा किया जाता था, सोच करने जाती थी उसका पीछा किया जाता था, ज़बरदस्ती उसको यानी टोट के बोट के तंत्र मंत्र से डरा धमका कर के। वो तो लड़की की माँ को पता लग गया कल, वो फांसी लगाने वाली थी बच्ची, तो कैसे भी करके लड़की को बचाया। यहाँ हम लोग सभी लोग थाना सागन क्षेत्र में आए और थाना इंचार्ज से मिले, यहाँ आकर के हम लोगों ने, भाई साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। जय श्री राम। बेटियों को पहला वसूला के धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है, वही एक विषय आज सागन थाने क्षेत्र के अंतर्गत आया। एक जिहादी जो शुभम के नाम से आईडी चलाता था, गंगा खान उसका नाम है, उसने हिंदू लड़की के साथ जो गलत कार्य करने की कोशिश की, उसे धर्मांतरण का लोभ लालच देने की बात करने का कोशिश किया, उसी को लेकर हनुमान सेना और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों द्वारा यहाँ तैयारी दी और मुकदमा पंजीकरण करने के कहा गया। अगर ठोस कार्रवाई थाना सागन के द्वारा नहीं किया जाता है तो सभी हिंदूवादियों के माध्यम से एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी कोई भी क्षति होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी थाना सागन पुलिस। अनिता देवी जी, क्या कुछ मामला हुआ है थाना सागन में? हुआ था ऐसा था, हम पड़ोस में रहते थे, किराए पे ये भी रहते थे, तो हमारा उठना बैठना था बाहर का ही, अंदर का नहीं। तो उसमें क्या है ना, लड़की को बातों में लेके और इसने धर्म अपनाने की कहा था। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है गंगा खान। गंगा खान। अच्छा, और जब मुझे कल पता चला था तो मैंने मारपीट की थी, तो लड़की को फोन पर धमकी दे रहा था कि तुझे मारे बाहर आ जा, उसके पीछे हमें अपने घर वालों के। कितने टाइम से जुड़ा हुआ था लड़की से? 5-6 महीने से, मुझे नहीं पता, मुझे कल पता चला है तो मैंने कल ऑप्शन उठाया। गंगा नाम रख के हिंदू बन रहा था वो, और इनके घर वालों को सबको पता, मुझे नहीं पता इन लोगों ने। आपने शिकायत की इसकी अधिकारी? मुझे नहीं पता था, मैंने रात को चीता वालों को फोन किया। अब इसकी शिकायत आपने थाने में आके की है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है? मैंने एफआईआर लगाई है। हो रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।